सरकार ही महंगाई का कारण है, इसलिए कि कभी कोरोना का बहाना होता है खर्चा का, कभी किसी चीज़ का बहाना, अभी बाढ़ का बहाना होगा। अब जनता महंगाई या सस्ताई जीना तो है उसको, कि कभी स्मृति ईरानी आ रही है सिलेंडर लेके, कभी कोई आ रहे हैं, लेकिन इस पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है कि पेट्रोल और डीजल इतना महंगा क्यों हो गया। कोई भी नेता लीडर या किसी दल या कोई भी लोग या किसी आदमी का अभी तक बयान नहीं आ रहा है जिसका क्या निदान होना चाहिए। जनता पे बोझ है, जनता झेल रही है। लेकिन आज के मुखिया क्या कर रहे हैं? आज के मुखिया लोग क्या करेंगे, नैतिक जिम्मेवारी उठाने में असफल हैं, अपने आप को मुखिया समझते हैं, जिम्मेवारी नहीं समझते हैं। गौर कीजिए नीतीश कुमार जी, कि जहां आपने स्वच्छ भारत मिशन को लेके अभियान चलाया है, वहीं शौचालय की टंकी को साफ किया जाता है, सड़क किनारे उस टंकी को खाली कर दिया जाता है और वहां बसने वाले जनता कहीं ना कहीं उस चीज़ से प्रभावित होते हैं। हर तरफ पानी है, जनता तबाह है, कोरोना खत्म हो चुका है, बाढ़ का समय है, हम लोग के बगल में गंडक नदी बहती है जो काफ़ी उफान पर है, और हमारे यहाँ सिंघिया पंचायत में तो गंडक नदी बांध में बिल्कुल सटा हुआ है, लेकिन अभी तक किसी विभाग के लोगों को भी हमने नहीं देखा है वहाँ पे जाते हुए। और अभी हमारा बांध जो है, सिंघिया का बांध जो है, उसके बगल में आप देखिएगा दाहिने हिस्से में जो शौचालय वाला टंकी उछलता है, पूरा आधा आधा बांध कटा हुआ है। इतनी बार पानी आने के बावजूद भी उसको देखने वाला कोई नहीं है। हम आपके माध्यम से इस विभाग से निवेदन करते हैं कि कम से कम वो बाढ़ में जितना टूटा है सर्वे करके उसको ठीक करा दे, नहीं तो किसी भी समय बांध टूट सकता है। नमस्कार, हम सौरभ चौधरी और आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार। अभी हम विभूतिपुर में मौजूद हैं और सिंघिया बुजुर्ग दक्षिण पंचायत के पूर्व मुखिया हमारे समक्ष मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि लगातार जनता पर विभीषिकाएँ आती रहती है, जनता त्रस्त है, कभी कोरोना को लेके तो कभी बरसात। अभी यह हालात हर जगह की है कि पानी जल जमाव हर जगह बनाए हुए है, लोग पानी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो इसी बात को लेकर हम मुखिया जी से जानेंगे कि इनकी पंचायत जो है सिंघिया बुजुर्ग दक्षिण, क्या हालात है, कैसे जीवन यापन यहाँ की जनता कर रही है। मुखिया जी, क्या हालात है आपकी पंचायत की? हालात तो बारिश में देख ही रहे हैं, जैसे सभी पंचायत के हालात हैं वही इस पंचायत के भी हालात हैं। यहाँ के लोग अपने हालात पे जीने के लिए सक्षम है, मजबूत है, इसलिए मैं यहाँ के जनता को धन्यवाद देता हूँ। पंचायत जनप्रतिनिधि के भरोसे नहीं है, जनता को जो लाभ जनप्रतिनिधि को देना चाहिए, इस बारिश और कोरोना के विभीषिका में इस पंचायत को देखने वाला कोई नहीं है। क्या जी, एक बात बताइए कि जब जनता अपना मुखिया किसी को चुनती है, अपना गार्जियन चुनता है, और वो गार्जियन उसके मिशन पर कामयाब ना हो, तो वो क्या करे जनता फिर? एक बार चुनने के बाद तो फिर 5 साल उसको इंतज़ार ही करना पड़ेगा, इसलिए कि लोग चुनने में सही गलत का ध्यान नहीं रखते हैं। अब एक बार चुनने के बाद उसको कुछ किया भी नहीं जा सकता है पूरे 5 साल, 5 साल बीतने के बाद ही उसको उस रूप में जवाब जनता देगी। जी मुखिया जी, जब 5 साल के लिए जनता आपको अपना मत देती है, आपको जिताकर वो कुर्सी प्रदान करती है, और वही जनता पानी में हेलती रहती है, तो उसके लिए क्या करते हैं ग्राम प्रधान? उनकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि वो जनता के दुख और सुख में खड़ा रहें, लेकिन जीतने के बाद लोग इस मुखिया शब्द के चकाचौंध में खो जाते हैं, और वो अपना घर बिल्डिंग और परिवार को कैसे खड़ा करें इतना ही सोचते हैं, जनता के लिए कोई नहीं सोचता है। तो फिर जनता क्या करे जब हर बार उसके साथ यही घटना हो? तो जनता तो समय आने पे ही जवाब देगी, इस बार जनता मन बनाई है, जवाब देगी। अच्छा, लगातार जनता के साथ बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जनता बार बार कठिनाई में फंस जाती है। एक तरफ कोरोना आती है, फिर चुनाव का सरगर्मी तेज होते ही कोरोना खत्म हो जाता है, फिर बरसात आना, ये सब क्या है जनता के लिए? जनता के लिए तो ये मान लीजिए विभीषिका ही है, जनता के लिए तो ये आपदा बुझिए, विपदा बुझिए, ये सब तो जनता के लिए आपदा विपदा ही है। कभी कोरोना का मार, कभी बारिश का मार, इस बार तो बारिश में जो हो रहा है, कोरोना से लोग छूटा तो बारिश में आके दब गया, न खेती हुई है, न बारी हुई है, न घास, न पात, और ख़ास करके जानवरों के सामने जो समस्याएँ हैं अभी जनता के पास, कोई चारा नहीं है, कोई बात नहीं है, लोग झेल रहा है, किसी किस तरह अपने हाल पर जी रहा है। तो क्या करेगी जनता जब उसके पास कुछ भी नहीं है? एक तरफ से खेती बर्बाद हो गया, जनता का सारा कारोबार ठप है, सरकार हर चीज़ को बंद कर रखी है, तो जनता अब क्या करे?
जनता जैसे, जनता तो मान लीजिए आदि हो चुका है अपने हाल पे जीने के लिए, अब अपने हाल पे उसको किसी तरह तो अपना जीवन व्यतीत करना है। न सरकारी संसाधन है, न सरकार का सहारा है, न जनप्रतिनिधि मिलने जाता है, न जनप्रतिनिधि उसको कुछ दे रहा है, यहाँ तक कि सांत्वना भी देने जनप्रतिनिधि नहीं जाते हैं। तो इसलिए जनता अब सोच लिया है कि हमको अपने हाल पे जीना है, उसी स्थिति से अपना माहौल तैयार करता है, उसी उस हिसाब से वो जी रहा है। अच्छा मुखिया जी, बताइएगा कि अभी जो वर्तमान स्थिति है, इस स्थिति में क्या लगता है कि जनता फिर से वोट करने जा रही है? वोट करना तो जनता की मजबूरी है, वोट तो करेगी ही, क्योंकि सरकार का एक संविधान में वोट देने का अधिकार सभी जनता को है, और सभी जनता, सरकार भी इस दिशा में प्रयासरत, पूरा मतलब जोर शोर से प्रचार प्रसार में लगा हुआ है कि जनता वोट करे। लेकिन अब जनता के सामने सवाल है जो उस वोट किसको करे और क्यों करे। अच्छा एक चीज़ हम जानना चाहते हैं कि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, और इस पे ना सरकार सोच रहा है ना कोई सोच रहा है, जनता कहीं ना कहीं उसके दबाव में आ रहा है, जनता पे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। महंगाई तो आप लोग सौरभ जी पूरा क्षेत्र पूरा एरिया घूमते हैं, हम लोग तो उस चीज़ को झेल रहे हैं, सरकार ही महंगाई का कारण है। इसलिए कि कभी कोरोना का बहाना होता है खर्चा का, कभी किसी चीज़ का बहाना, अभी बाढ़ का बहाना होगा। अब जनता महंगाई या सस्ताई जीना तो है उसको, अब जीने के लिए ये तो नहीं है जब महंगाई होगा तो लोग मर जाएगा, उस स्थिति को के लिए अपने आप को तैयार करता है और फिर उस स्थिति में परिस्थिति में अपने आप को जीता है। हम ऐसा नहीं कहते कि आप किसी भी दल से मतलब रखते हैं, हम एक क्वेश्चन करना आपसे चाहते हैं कि एक समय था जब कांग्रेस की सरकार थी और 3 रुपये पेट्रोल का रेट बढ़ा था, जिस समय ये जो कहते हैं बीजेपी के कि बहुत सारे बाघर बिल्ले लोग सड़क पे आ गए थे, स्मृति ईरानी लोग भी आई थी कि महंगाई बढ़ गई है, आज वो 103 रुपये हो गया पेट्रोल, आखिर बीजेपी केंद्र में है तो क्यों नहीं बोल रही है? सौरभ जी, हम लोग तो सोशल मीडिया पे देखते हैं, पुराना पुराना पोस्ट दिखाता है, हम लोग भी उसी से देख कर देख रहे हैं कि कभी स्मृति ईरानी आ रही है सिलेंडर लेके, कभी कोई आ रहे हैं, लेकिन इस पे कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है कि पेट्रोल और डीजल इतना महंगा क्यों हो गया। कोई भी नेता लीडर या किसी दल या कोई भी लोग या किसी आदमी का अभी तक बयान नहीं आ रहा जिसका क्या निदान होना चाहिए। जनता पे बोझ है, जनता झेल रही है। सर एक बात बताइएगा कि एक मुखिया जी का क्या कार्य होना चाहिए अपने पंचायत में? एक मुखिया का जनता के प्रति जो नैतिक जिम्मेवारी है, उसका दुख सुख, उसका समय, सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जनता तक जाए, ये एक मुखिया की जनता के प्रति नैतिक जिम्मेवारी बनती है। लेकिन आज के मुखिया क्या कर रहे हैं? आज के मुखिया लोग क्या करेंगे, नैतिक जिम्मेवारी उठाने में असफल हैं, अपने आप को मुखिया समझते हैं, जिम्मेवारी नहीं समझते हैं। तो आपकी जो जनता है, आपके जो पंचायत की जनता है, वैक्सीन को लेके कहाँ तक सजग है, वैक्सीनेशन का कार्य कैसा चल रहा है? हमारे यहाँ वैक्सीनेशन का काम अच्छा चला है, हमारे यहाँ बगल में ही जनता कॉलेज पे मेन सेंटर है, लोग, हम लोग भी वैक्सीनेशन के प्रति लोगों को प्रेरित किए हैं, लोग वैक्सीनेशन लिया है, और फिर कार्यक्रम वैक्सीनेशन का पीछे वैक्सीनेशन यहाँ ख़त्म हो गया था इसलिए कुछ लोग बच गए, हम लोग वैक्सीनेशन में लगे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो वैक्सीन ले। आपके पंचायत की बात करें हम तो पंचायत में पानी की क्या स्थिति है, कहाँ कहाँ पानी जमा है? पानी तो सारे खेतों में जमा है, कुछ टोला मोहल्ला भी है जहाँ पे पानी लगा हुआ है, हमको भी एक दो लोग फ़ोन किया, हम लोग गए देखे, लेकिन उसका कोई निदान अभी नहीं निकल सकता है। तो सरकार इस बाढ़ को लेकर अभी जो संकट मंडरा रहा है अपने विभूतिपुर की जनता नहीं पूरे बिहार की जनता पर बाढ़ को लेकर, तो क्या लगता है कि सरकार अभी भी चुप है? कोरोना के समय अभी चुप थी तो कब तक चुप रहेगी और जनता मरती रहेगी? बाढ़ का समय है, हम लोग के बगल में गंडक नदी बहती है जो काफ़ी उफान पे है, और हमारे यहाँ सिंघिया पंचायत में तो गंडक नदी बांध में बिल्कुल सटा हुआ है, लेकिन अभी तक किसी विभाग के लोगों को भी हमने नहीं देखा है वहाँ पर जाते हुए। और अभी हमारा बांध जो है, सिंघिया का बांध जो है, उसके बगल में आप देखिएगा दाहिने हिस्से में जो शौचालय वाला टंकी उछलता है, पूरा आधा आधा बांध कटा हुआ है, इतनी बार पानी आने के बावजूद भी उसको देखने वाला कोई नहीं है। हम आपके माध्यम से इस विभाग से निवेदन करते हैं कि कम से कम वो बाढ़ में जितना टूटा है सर्वे करके उसको ठीक करा दें, नहीं तो किसी भी समय बांध टूट सकता है।
गौर कीजिए नीतीश कुमार जी कि जहां आपने स्वच्छ भारत मिशन को लेकर अभियान चलाया है, वहीं शौचालय की टंकी को साफ़ किया जाता है, सड़क किनारे उस टंकी को खाली कर दिया जाता है और वहां बसने वाले जनता कहीं ना कहीं उस चीज़ से प्रभावित होते हैं। हर तरफ पानी है, जनता तबाह है, कोरोना खत्म हो चुका है, तो देखते रहिए ऐसा ही। हर पंचायत की अपडेट आपको देते हैं। बीटी न्यूज़ के लिए विभूतिपुर से सौरभ चौधरी की रिपोर्ट।